हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स की आईआईटी फाउंडेशन की बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक से। तो ये स्टार्टिंग पेज अबाउट पियर्सन है। पियर्सन की जनरली मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पियर्सन की और प्रवीण त्यागी की अच्छी लगती हैं, क्योंकि पियर्सन में क्वेश्चन अच्छे हैं, थ्योरी अच्छी है, और प्रवीण त्यागी में भी क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं उसकी भी बुक का रिव्यू करूँगा, तब आपको समझ आ जाएगा क्यों। तो चलिए इसके चैप्टर्स देख लेते हैं पहले। तो पहला चैप्टर तो अपनी एनसीईआरटी वाला, ये नेचर ऑफ मैटर, पर इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फिर सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी एनसीईआरटी में, पर इसमें थोड़ा बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बल्कि 11th क्लास का है इसमें। और नेचर ऑफ मैटर भी है, उसमें भी थोड़ा सा पोर्शन 11th क्लास का है। सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारा पोर्शन तो 11th क्लास का ही है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th क्लास का है। केमिकल बॉन्डिंग, ये 11th क्लास का है। 10th क्लास वाली बॉन्डिंग तो है, उसके साथ 11th क्लास की भी आधी बॉन्डिंग है। बस थोड़े टॉपिक जो 11th क्लास की नहीं है, वो केवल VSEPR, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो दो तीन और थ्योरीज हैं वो नहीं है। फिर चैप्टर 5 मोल कॉन्सेप्ट, टॉक्यूमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेज, ये तो भैया पूरा 11th क्लास का है। फिर केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी केमिकल काइनेटिक्स जो पार्ट है ये 11th क्लास में आता है, केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल इक्विलिब्रियम आता है 12th क्लास में, तो 11th 12th का मिक्सचर है। फिर वाटर सोल्यूशन, सोलिबिलिटी एंड हाइड्रोजन, इसमें मेन जो वो किया गया है फोकस, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया गया है, जो 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकेंड थर्ड होगा, 12th क्लास में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, मेन फोकस वही है। फिर 8th चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर वही 9th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 9th क्लास में, मतलब 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है, वही सब है। तो चलिए इसके बाद अब इस बुक का कंटेंट देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, और इसके थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में ये रिमेंबर और की आइडियाज, रिमेंबर वो चीज़ें कि ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, और की आइडियाज कि इस चैप्टर में आप ये समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर है। फिर ये डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन पे डिफरेंसेस हैं। फिर एग्जांपल हैं, एक टॉपिक ख़त्म करते हैं तो एग्जांपल देते हैं, ये इनकी बात अच्छी लगती है। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो अभी तक एनसीईआरटी वाली चीज़ें ही चल रही हैं, थोड़ा इसमें अब एक्स्ट्रा आ गया। मेल्टिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, फिर ये रोज मेटल्स, ये सब इसका एग्जांपल है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन फैक्टर, इवेपोरेशन लेटेंट हीट, ये सब अभी 9th क्लास का ही चल रहा है, जो 9th क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर ये एग्जांपल है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी अभी थोड़ा बहुत, मतलब ये 9th क्लास का है ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये भी 9th क्लास का है, सेकेंड चैप्टर है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ से 9th क्लास का पूरा ख़त्म होता है। फिर ये इसमें चैप्टर को एक्सटेंड के बाद, ये जो आगे का चैप्टर है उसमें कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल चेंजेस, ये सब 10th क्लास के हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, और ये पूरी 10th क्लास की हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बेसिकली, हैलोगन रिएक्टिविटी सीरीज है ये, और फिर इसके बाद क्वेश्चन हैं। तो इसके क्वेश्चन में जो मेन टॉप, जो टेस्ट और कॉन्सेप्ट होता है, इसमें टेस्ट और कॉन्सेप्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें, मतलब आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, इसमें लेवल 1 2 3 तीन लेवल होते हैं हर चैप्टर में। अब इसमें जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, और पहचानना है कि लेटेंट हीट कहाँ हो रहा है या स्टेट ऑफ चेंज कहाँ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ग्राफ से और अलग अलग चीज़ें करने पड़ती हैं। तो ये लेवल 2 है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक सेपरेशन का क्वेश्चन ये है, सोडियम कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन वाटर, हाउ, नहीं सॉरी, व्हेन मिक्सचर ऑफ दीज फोर लिक्विड्स इज टेकन, हाउ कैन दे बी सेपरेटेड, जस्टिफाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत
सिंपल है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से होंगे। देखिए सबके वेपर प्रेशर दिया गया, वेपर प्रेशर यानी बॉइलिंग पॉइंट, अपना वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो उस वजह से ये इनडायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बॉइल करके हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल आंसर है। तो फिर ये वही, मेरा कैमरा थोड़ा सही हो जाए, हाँ फोकस पे हो गया। तो ये लेवल 3 वाले क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, इसमें टफ क्वेश्चन है। फिर ये हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन है, इनके हिंट्स हैं, कुछ कुछ में हिंट्स होते हैं, जैसे ये देखिए स्टार्टिंग में केवल हिंट्स होती हैं, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन भी होता है आंसर का। तो ये था चैप्टर 1। अब जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वही रिमेंबर की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये तो ये जो कैथोड एक्सपेरिमेंट है, ये शायद मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, पर शायद एलएसएमके में है, मैंने अभी अच्छे से पढ़ी नहीं, तो शायद मुझे पक्का यकीन से नहीं कह पा रहे, पर शायद है। पर ये सब नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट्स आगे के जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद जो ये अलग अलग चीज़ें रख के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था ये, और उनसे क्या कंक्लूजन आता है, ये सब है, ये नहीं है 9th क्लास में, ये 11th क्लास का है। फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी 11th क्लास की केमिस्ट्री में है, 9th क्लास में भी हो सकता है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये तो डेफिनेटली है हमारे में, वैलिडिटी ऑफ थॉमसन मॉडल। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 11th क्लास से रिलेटेड हैं, अपनी क्लास से नहीं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये है, फिर इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसमें जैसे ये भी इसमें एनसीईआरटी में तो है, पर एनसीईआरटी से एक्सटेंड करके इसमें दिया गया है। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाया गया जिसे रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये फेल हुआ था, इसलिए बोहर मॉडल आया था। फिर ये है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मतलब क्वांटा के बारे में है, मतलब जो मैक्स प्लैंक ने थ्योरी निकाली थी। तो इसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और वी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। फिर इसके बाद थोड़ा ये सब 11th क्लास का है अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें एनर्जी लेवल्स, एंगुलर मोमेंटम और ये रेडियस पे वो रेडियस निकालना और एनर्जी निकालना, ये सब के फॉर्मूले हैं जैसे आप देख सकते हैं। फिर लिमिटेशंस दी हुई हैं, मतलब उसमें क्या हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत फेमस है, स्पेक्ट्रल लाइन, जीमन और वो स्टार्क इफेक्ट के बारे में। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है, फिर इसके बाद उसके थोड़े वो हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसी के साथ सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, इसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये वही फॉर्म है। फिर थर्ड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये क्लास 10th का चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर भी देखते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑक्टेव, न्यूलैंड इससे पहले डोबर्नियर लिखा हुआ था, डोबर्नियर की केवल थ्योरी थी। फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नहीं ये भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगले पेज में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे है ये दिया हुआ है यहाँ पे, फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैं थोड़ा बुक को ऐसे कर, तो ये फिर पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज वेरिएशन, मतलब उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सब। इसी के साथ ये चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर्स के बाद ख़त्म होता है। फिर अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ये क्लास 11th की बॉन्डिंग है, पिछले साल थी 10th वाली। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, अभी इनके भी अलग अलग होते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ऐसे अलग अलग होते हैं। लुइस डॉट फार्मूला है इधर पे। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड का ग्राफ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ये थोड़ी डिफरेंसेस हैं प्रॉपर्टीज़ के। फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर यहाँ पे वांडरवाल फोर्सेस और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, जिसके अंदर ही आते हैं आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इमेजिनरी बॉन्डिंग का ही कही जाती है। तो ये मेरा कैमरा का फोकस सही होने दो, होने देते हैं। हाँ तो ये जैसे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये मेटेलिक बॉन्डिंग, फिर रिएक्शन से रिलेटेड है रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग भी इसकी ख़त्म होती है। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट, स्टॉक्योमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेज। इसमें मेनली गैसेज से रिलेटेड है। तो ये तो अपनी 9th क्लास में है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले में जो है ये सब अभी है। बाइनरी कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एसिड्स, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, नेमिंग करना उनका IUPAC सिस्टम से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर ये बॉयल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ है। फिर वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ, प्रेशर ऐसे की ग्राफ्स बने हुए हैं कुछ। फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ है, चार्लीज लॉ, और फिर ये यही सब है। फिर ये गैस इक्वेशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP और NTP। फिर ये इधर पे गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स एंड गैसेस। फिर ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये स्टॉक्योमेट्री, यहाँ पे शुरू निमोल कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है, तो उसी का है ये। फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वापस गैस पे आ गए वापस, अब ये स्टॉक्योमेट्री। और इसी के बाद थोड़े से थ्योरी के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था, ये हम बुक देख चुके हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। फिर अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब है इसमें। इक्विलिब्रियम यहाँ पे शुरू हो चुका है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, तो उसे इक्विलिब्रियम की स्टेट कहा जाता है। ये कुछ ग्राफ्स हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, और इक्विलिब्रियम पे चैप्टर ख़त्म होता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेनली वाटर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन, तो ये सब है इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, फिर ये बहुत सारे टर्म्स हैं इस पेज में। फिर कॉलिड पार्टिकल, ब्रोवियन मूवमेंट, टिंडल मूवमेंट, एक्शन ऑफ वाटर ऑन सम मेटल, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड इलेक्ट्रो वेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर अगला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मेनली चीज़ जो 10th क्लास का है मेटलर्जी वो है, पर थोड़ा इंक्रीज करके 11th क्लास का भी पोर्शन दिया गया है। तो ये है, तो ये सब आप 10th में पढ़ेंगे, बस यहाँ जो यहाँ से पोर्शन है नॉन मेटल से, इनका नहीं पढ़ेंगे, बाकी इससे पिछले वाला सब पढ़ना है आपको 10th में, मतलब अगले साल। तो इसके बाद ये भी ख़त्म हो जाती है थोड़े बहुत सारे रिएक्शंस के साथ और उनकी मेटलर्जी के साथ, उनको मतलब निकालने के साथ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद इस बुक का आखिरी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th क्लास में है, और 11th क्लास में नॉर्मली इंट्रोड्यूस कराई जाती है, पूरी 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें, क्योंकि 11th क्लास में भी इंट्रोडक्शन होता है, इसमें भी इंट्रोडक्शन है कॉन्सेप्चुअल बेस। फिर 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो अगले साल शायद तो 10th क्लास की फाउंडेशन की बुक में होगी, उसमें ज़्यादातर याद करने का होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। आखिर में ये कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, टार, ये सब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ, तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यूज इन इंग्रेडिएंट एज फूड्स में, सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सब है। और इसी के साथ क्वेश्चन के बाद ये बुक ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।